चलो खुजली के बारे में बता देते हैं, थोड़ी बहुत खुजली हो तो अच्छा लगता है आदमी को, कहते हैं या तो मजा राज में या खाज में, लेकिन ये कभी कभी हो तो फिर थोड़ा सा खुजा लिया तो फिर ठीक सा लगता है, लेकिन ये खुजली ज्यादा हो जाए तो बहुत परेशान करती है। तो इसके एक तो जिनको भी खुजली होती है उनको नमक और मीठा या तो कम कर देना चाहिए या तो बंद कर देना चाहिए, नमक और मीठा, एक बात। दूसरी बात, खुजली के लिए तीन चीजें तो नेचुरल बताता हूं, एक तो नीम, दूसरा गिलोय। तो गिलोय, नीम, ये तो घरेलू चीज है, किसके लिए? खुजली के लिए। नीम, गिलोय और एलोवेरा, ये खून को साफ कर देते हैं। खून को साफ करने के नाम पर ना कई तरह के एलोपैथी की, आयुर्वेद की, कई कई दवाइयों के चक्कर में पड़े रहते हैं लोग। एलोवेरा, एलोवेरा लगा दो ऊपर से, कितनी भयंकर खुजली हो रही हो तुरंत ठीक कर देता है, फुंसी हो रही हो 6-7 दिन में फुंसी खत्म। और जो एलोवेरा खाता है और एलोवेरा लगाता है उसकी चमड़ी ऐसी रहती है जैसे बच्चे की चमड़ी होती है। मैं रोज एलोवेरा जूस पीता हूं और कभी कभी लगा लेता हूं चेहरे के ऊपर भी, और देख लेना 100 साल तक बाबा की चमड़ी ऐसी मिलेगी जैसे बच्चे की होती है। अब सबको अच्छी चमड़ी चाहिए, हमारी बहनें कुछ बैठी हैं बड़ी खुश हो रही है, बोले बाबा आपने तो अच्छा मंत्र बता दिया। लगाना एलोवेरा जेल और पीना, तीन चीज बताई मैंने। अब निष्कर्ष के तौर पर आपको दवाइयां भी बता देता हूं, गिलोय, नीम और एलोवेरा ग्वार पट्टा। घृत कुमारी जानते हो ना, उसका जूस भी हम देते हैं, एलोवेरा जेल और जूस देने, ये तो जेल है, एलोवेरा का जूस, गिलोय का जूस और 8-10 पत्ती नीम के, ताजे कोपल मिल जाए तो और अच्छी बात है, और बरसात में तो एक बार खा लो, साल भर खुजली नहीं होगी, ये इतना बढ़िया है। एक दूसरी चीज, एलोवेरा जेल लगा लो, सामान्य खुजली होने पर तो इसी से ठीक हो जाती है, विशेष खुजली हो तो कायाकल्प तेल है, 100% असली है वो कायाकल्प तेल, और कायाकल्प की गोली है, उसमें सारी जड़ी बूटियों का वो बनाते हैं जो है गोली, गोली तैयार करते हैं उसका एक्सट्रैक्ट निकाल कर, ये कायाकल्प तेल है, जहां भी दाद खाज खुजली हो वहीं लगा दो। और एक कायाकल्प की गोली आती है, वो गोली ले लेना, एकदम सिंपल है। तो पूरी भाई अपने पश्चिम बंगाल के लोगों की जो खुजली भाई ने बताई महामारी की तरह, उसका समाधान बता दिया मैंने, घरेलू उपचार भी बता दिया, नीम, गिलोय, एलोवेरा, कायाकल्प वटी खाने के लिए, कायाकल्प तेल लगाने के लिए, एलोवेरा जेल लगाने के लिए, जिसके कम हो तो एलोवेरा से काम चल जाएगा, ज्यादा हो तो ये भी लगा लेना कायाकल्प। और फिर ये ना मिले रोज नीम, गिलोय और एलोवेरा की दिक्कत होती हो, रोज मिल नहीं पाते ना, तो नीम की, गिलोय की, और हमने गोली बना दी है नीम और गिलोय की, तो एक एक गोली ले लेना, एक गोली नीम की, एक गोली गिलोय की, एक गोली नीम की, एक गोली गिलोय की, एक दो गोली कायाकल्प की, और ये एलोवेरा का जूस पी लेना, खुजली होगी ही नहीं, खुजली नहीं। कितने भयंकर गले सड़े शरीर भी हो तो वो भी प्रयोग करेंगे तो पूरे ठीक हो जाएंगे, नया शरीर पर नया मिल जाएगा, नया शरीर, कायाकल्प बोलते हैं इसे, कायाकल्प, कायाकल्प हो जाए। और प्राणायाम तो करें, ये लीवर से बड़ा संबंध है चर्म रोगों का, और एक ऊपर से इन्फेक्शन आदि, और इसमें साफ सफाई तो रखना जरूरी है, साबुन ना लगाएं, मुल्तानी मिट्टी की और नीम की हमने साबुन बना रखी है उसका प्रयोग करें।